सो वी फेल्ट कि ठीक है, हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है वुडोफा के पास जाके. स्पेशली अब जब हैंड ओवर भी हो चुका है, उसके बाद भी जब भी हम कोई मैसेज करते हैं कि वी हैव अ प्रॉब्लम, नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे वो सॉल्व हो जाती है. हाय, दिस इज प्रतीक, आई एम एन आईटी इंजीनियर. हाय, दिस इज रुचि एंड आई एम आल्सो एन आईटी इंजीनियर. एंड लेट्स मीट आवर पेरेंट्स. मेरा नाम चंद्रकांत है. नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार है. हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट वुडोफा? Okay, so it all started with, you know, Google Baba. So actually my wife, she's a digital girl. Yeah, I'm expert in searching anything on Google. So I searched like top interior designers in Noida and we found Wudofa. We went to their YouTube channel and we checked out some videos. Actually we just, checked two videos and, you know, we finalized Wudofa. So we were like, ki Wudofa ke saath hi jana hai. Yeah. Why did you choose us? Any specific reason? So we watch number of videos on YouTube and we always want a modern theme and all those details we found is available with Wudofa. So this is mainly the reason we have chosen Wudofa. How was your experience with us in design phase? Okay, so this is the most difficult part, I'll say, in the entire journey. हमें पता था कि हमें ये चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता था हाउ टू से दिस थिंग कि यार हमें ये दे दो. बिकॉज वो जो कम्युनिकेशन है वो बिल्ड करना हमारे एंड से, बिकॉज हम लोग सिर्फ आपको दे सकते हैं रिक्वायरमेंट्स, बट उसको कैसे ऑन पेपर्स आएगा या फिर कैसे रियलिटी में आएगा वो कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट इनिशियली. हम लोग जैसे हम दोनों घर आते थे, हम लोग ऐसे सोचते थे कि यार हमारी जो डिज़ाइनर है निधि मैम, कि हम उनसे कहीं मिसिंग कर रहे हैं, कि मतलब हम जो बता रहे हैं वो शायद उनको समझ नहीं आ रहा. तो हम दोनों आके ना रोते थे कि यार कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बिकॉज हम लोग दोनों आईटी इंजीनियर हैं, हमें चाहिए कि हमें थाउजेंड ऑफ थिंग्स इन अ पर्टिकुलर रूम और इन अ पर्टिकुलर कलर्स चाहिए थे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें चाहिए था हमारा घर कलरफुल होना चाहिए. लेकिन जैसे जैसे मीटिंग्स होती थी, हम घर आते थे, हम सोचते थे कलर्स हैं कहाँ घर में. क्योंकि हम उसको ऑन पेपर्स तो थोड़ा बहुत हमें थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, लेकिन रियल में जो फीलिंग है वो हम लोग ला ही नहीं पा रहे थे. So that's the most difficult part, but yes, Nidhi ma'am actually... Our designer used to say one word, subtle. We never understood the meaning of it. But we want it. So, फिर हम लोगों की धीरे धीरे मीटिंग स्टार्ट हुई. तो आई गेस फर्स्ट मीटिंग जो थी मूड बोर्ड पे, तो वी स्टार्टेड डिजाइनिंग स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स की यार यहाँ पे मोल्डिंग होगी, नहीं पता हमें आपको वॉट इज मोल्डिंग. So, but yes, फिर over the period of time, we used to understand things कि यार अच्छा this is molding, okay, अच्छा ऐसा दिखेगा, okay. We finally started liking all those small small elements. And storage का बहुत crunch था हमारे यहाँ, मतलब kitchen में हमें storage भी बहुत सारी चाहिए थी और हमें space भी compromise नहीं करना था. Same master room में भी वही चीज़ थी, but our designer, she designed it very well. We got lot of space in our house. And nothing is visible outside. मेरी मम्मी तो परेशान भी होती है कि सब कुछ अंदर रख रखा है, कुछ भी बाहर नहीं है. Yeah, kudos to Nidhi ma'am. Thank you. What is your favorite place, ma'am? My favorite place is obviously living room. I always wanted crown chairs in my house. मेरे को ये था कि सुबह उठूँ green tea मुझे वहीं पीनी है बैठ के, कहीं और नहीं जाना है. And बहुत pop colors हैं, मतलब बहुत lively feel आती है यहाँ पे बैठ के. और उस चेयर के साथ मुझे भी बैठना पड़ता है ग्रीन टी के लिए, बिकॉज वो मेरी फेवरेट नहीं है, बट स्टिल आई. सो दैट्स आवर कोजी कॉर्नर. ओके, सो मेरे लिए फेवरेट है स्टडी रूम. एक्चुअली वो स्टडी नहीं है, इट इज़ अ मिक्स ऑफ स्टडी एंड एंटरटेनमेंट रूम. अगेन ये जो हमें नहीं चाहिए था ये, लेकिन बट हमारे डिज़ाइनर ने हमें सजेस्ट करा था कि यू कैन टेक, क्योंकि लिमिटेड रूम्स है, पता है हमें तीन रूम्स है, एक में पेरेंट्स आएंगे, एक में आपका मास्टर रूम बनेगा एंड देर इज द थर्ड रूम, उसी के साथ आप यू नो प्लस माइनस कर सकते हो. सो वी एडिड टू रूम्स इन यू नो इन द थर्ड रूम. सो दैट इज़ माई बेस्ट पार्ट, कि हम लोग वहाँ पे दिन भर ऑफिस का काम करते हैं एंड शाम को चिल आउट करते हैं. सो मेरे को ना किचन बहुत अच्छी लगी, इसमें बहुत जगह है, सामान वगैरह कुछ भी बाहर नहीं रहते, सब अंदर रहते हैं. कलर भी बहुत अच्छे हैं, जैसे आँखों को छुपते नहीं, बहुत अच्छे लाइट कलर, सटल कलर. मुझे सबसे अच्छा मंदिर लगा है, इसकी जो डिजाइनिंग गणेश जी की जो काटी गई है बहुत ही सुंदर लगती है, और पीछे जो लाइटिंग आ रही है बहुत ही अच्छी है, और जो बेल लगाई है, जो लाइट लगती है उसकी बहुत अच्छी लग रही है. एग्जैक्टली, एक्चुअली हम लोगों को सबसे बड़ा इशू था कि यू नो वी हैव अ लिमिटेड स्पेस एंड मंदिर चाहिए था, एंड इनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि वास्तु के अकॉर्डिंग
कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आनी चाहिए. तो इट टुक लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर आवर डिजाइनर टू प्लान इट. अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये वॉल स्पेशली मंदिर के लिए डिजाइन थी, बट लेकिन ऐसा है नहीं. मतलब उसके पीछे बहुत जुगाड़ हुआ है. हमने वो वॉल एक्सटेंड करी है, देन वी प्लेस मंदिर देयर. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, उसमें हमने पहले वाइट मंदिर हमने सिलेक्ट किया था. Our designer visited the place. She thought ki it's not looking good. उखड़वा दिया कि भाई उतारो इसको. I mean this is not looking good. उतारो इसको. She liked it very much. कि she is also putting her efforts into our house. So we liked it very much. So something unexpected you got? Yes. So this is I guess the wall for me. हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि इवन कोई भी घर पे आता था, इवन मम्मी भी जब आई थी तो इन्होंने यही सोचा था कि यार ये क्या लगा दिया, ये एकदम फट्टा, मतलब टिपिकल देसी लैंग्वेज में बोलेंगे तो फट्टा लगा दिया, ब्लैक बोर्ड लगा दिया. नाउ व्हेन एवरीथिंग इज इन प्लेस कि आपका सोफा हो गया, सेंटर टेबल हो गई, लाइट्स हो गई, यस ये इतनी सारी लाइट्स हो गई, तो नाउ वी गॉट टू नो कि यार ये क्या बनाना चाह रहे थे और सही में कि वो बन के आया या नहीं. राइट. दूसरा अनएक्सपेक्टेड थिंग वॉज मास्टर बेडरूम फॉर मी एंड फॉर अदर्स एज वेल. हमें स्टोरेज भी चाहिए था और हमें रूम की स्पेस को कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना था, लेकिन द साइड शेल्फ्स विच वी गॉट टू पुट ली डेकोर्स, उससे बहुत स्पेशियस लगता है रूम. जब आप एंटर करते हो तो आपको लगेगा भी नहीं कि वो कबर्ड्स हैं. एंड वी गॉट दिस फीडबैक फ्रॉम सो मेनी पीपल. जो भी घर पे आता था ना ये यही बोलता था कि यहाँ पे तो कोई साइड में कोई कबर्ड हो ही नहीं सकती है. सो इट इज लाइक योर डेकोर प्लेस ओनली, बट ऐसा है नहीं. मेरे को इस मकान की हर चीज अच्छी लगती है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि खराब, बहुत बड़ी है. मम्मी का तो हमेशा स्टार्टिंग से कहना था कि यार ऐसी कोई चीज नहीं है जो बेकार है. तो वैसे भी है ना, इनकी रुचि भी बहुत अच्छी है, कोई भी चीज ब्रांडेड ही पसंद है. ऐसी ऐसी हमको भी वही कहते हैं, ऐसी ऐसी चीजें नहीं चाहिए मम्मी, कोई भी चीज हो अच्छी लो, कोई भी कपड़ा हो. इसलिए तो हम लोगों ने वोडाफोन लिया था. ब्रांड. कमरे में जो भी पर्दे लगाए गए हैं बहुत ही अच्छी लग रहे हैं और सुंदर है काफी. मेज हो रहे ऐसे दीवारों से, सबसे फर्नीचर से मेज हो रहे. मैचिंग तो पूरे घर की काफी अच्छी है कि मतलब गेट वगैरह सब मैचिंग है. कोई ऐसे नहीं है बिगड़ मेज के कुछ नहीं. और स्पेशली लाइट्स, मतलब घर में 150 लाइट्स होगी. हम लोग ये सोचते कि इतनी सारी लाइट हर एक मूड के लिए है, मतलब पार्टी मूड हो यू कैन गो टू यू नो एंटरटेनमेंट रूम, स्टार्ट करो लाइट, पार्टी करो, इट्स लाइक दैट. अगर आपको लगता है कि यार मूवीज देखनी है, टीवी पे बैठना है, टीवी इज देयर, रीडिंग लाइट्स अलग, रीडिंग लाइट्स अलग है. सो देयर आर सो मेनी लाइट्स अकॉर्डिंग टू योर मूड्स. मूड नॉट मूड्स. सो शेयर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद वोडाफोन. ओके, सो if I say in one word, overall experience was great. Outstanding, I'll say. Yeah, outstanding. there were lot of ups and downs, obviously. But after seeing the outcome, we forgot like everything. Our designer was so cooperative. Even she used to respond us. जब भी हम ping करते थे, रात को मैं और मेरे हस्बैंड रात को बहुत, मैं यही बोलता था कि रात को 12 बजे कौन तेरे को रिप्लाई करता है लिटरली. बट स्टिल एक-एक बजे भी रिप्लाई आता था हमारे पास और बहुत सिली क्वेरीज के लिए भी आता था. हमें कोई कलर पसंद नहीं आता था, मैम कलर पसंद नहीं आ रहा हमारे को, ये छोटी सी चीज़ें बाहर निकली हुई है, ये क्यों निकली हुई है हमें नहीं समझ आ रहा. तो मतलब वो डिज़ाइनर कम मतलब एग्जीक्यूशनर भी थी, उन्होंने सारे पूरे एंड टू एंड एग्जीक्यूशन में हमारा सपोर्ट करा है काफ़ी ज़्यादा. इवन सबसे अच्छी चीज़ जो हमें लगी है कि हमें कुछ चीज़ें बाहर से लेनी थी, लाइट्स हमें बाहर से लेनी थी, लूज़ फर्नीचर्स हो गए, तो हमें ये लगता था हम लोग लेंगे कैसे, मतलब अगर आप फैब्रिक की बात करेंगे या फिर किसी भी चीज़ डेकोर्स की बात, तो कैसे होगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था. दिल्ली इज़ न्यू टू अस, तो हमें ये नहीं पता था हमें क्या करना है. तो हमारी डिज़ाइनर हमारे साथ हमेशा रहती थी, अगर वो अवेलेबल नहीं हो पाती थी तो वो हमारे वीडियो कॉल पर ज्वाइन करती थी और हमारी लाइट्स में मतलब she was available with us on video call. we remember because we got neck pain because of that. decors का especially we were like ये actually ना negative point हमारे लिए, मतलब वोडाफोन के लिए हमारा decor का budget इतना था, हमारे को इतना मतलब दिखाई ये भी अच्छा ये भी अच्छा हमारा इतना हो गया. लेकिन decors I mean superb, बहुत ही अच्छे है decors.
मैं एक्चुअली एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जनरली इंटीरियर को लोग ये समझते हैं कि ये पैसे वालों का खेल है, कि मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आई मीन यू कैन गो फॉर द इंटीरियर, बट ऐसा नहीं है। हम लोग जब वुडोफा के पास फर्स्ट टाइम आए थे तो उन्होंने हमसे पूछा था कि भाई आपका क्या बजट है, भले 2 लाख 4 लाख 6 लाख इट कुड बी एनीथिंग। तो ये थोड़ा सा परसेप्शन हमें चेंज करना चाहिए आई गेस एज अ एंड यूज़र, कि सिर्फ इंटीरियर पैसे वालों की चीज़ नहीं, बिकॉज हम लोग एक नॉर्मल है, वी आर अ मिडिल क्लास फैमिली, बट यस वी गॉट अ गट कि हम लोग भी इंटीरियर करवा सकते हैं। ओके, सो द ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस, स्पेशली लाइक द एग्जीक्यूशन टीम, दे वर वेरी सपोर्टिव। जब भी हम कोई भी कंप्लेन करते थे, स्पेशली राहुल जी, प्रेम जी, अर्पित सर, दे वर राइट देयर टू रिजॉल्व इट। सो वी फेल्ट कि ठीक है, वी हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है वुडोफा के पास जाके, स्पेशली अब जब हैंड ओवर भी हो चुका है उसके बाद भी जब भी हम कोई मैसेज करते हैं कि वी हैव अ प्रॉब्लम, नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट डे वो सॉल्व हो जाती है। राइट, अगर सॉल्व नहीं भी हो पाती है तो वी गेट अ रिस्पॉन्स कि नहीं आज नहीं मैम कल हो जाएगी, बट यस इट गेट्स रिजॉल्व। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यार जब तक पैसा हमने नहीं दिया सामने वाले को तब तक तो वो काम कर देता है, बट आफ्टर गिविंग द मनी अगर वो काम कर रहा है तो आई मीन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ वुडोफा, वी लव टू अप्रिशिएट। सो इन द एंड वन लाइन फॉर वुडोफा, वुडोफा इज द बेस्ट, गो चेक आउट सम ऑफ देयर वीडियोस अवेलेबल एट द YouTube चैनल, लाइक जैसे हमने किया था एंड वी विजिटेड वुडोफा, विजिट देयर एक्सपीरियंस सेंटर लिटरली, इफ यू गाइस डू नॉट नो अबाउट यू नो इंटीरियर डिजाइनिंग, जस्ट गो एंड जस्ट हैव अ लुक। They'll not charge anything for visiting the experience center. So yep. Yes. Thank you, Vodafa. Yes, yeah. We feel. We feel Vodafa as a family. Yeah. Thank you. Family बन गई आप हमारे. Thank you, Vodafa.